केजीबीवी गिराला पीएस मझोगा सुमल कहो एक योजना, उसका नाम हम लोग ने स्पर्श रखा है। स्पर्श का मतलब होता है स्पन्न छूना। तो जिस तरह से बच्चा है पैदा होता है तो माँ उसको स्पर्श करती है, उसके विकास उसका होता है धीरे धीरे। इस तरह से हम लोगों ने इस स्पर्श ऐप का नाम रखा है और इस जनपद में जो पिछड़ापन है उसका उस ऐप के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हम शिक्षा विभाग में गुणवत्ता लाना चाह रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों पे छुपी हुई प्रतिभा को जो हम संकलित नहीं कर पाते हैं वह इस ऐप में संकलित होगा। जिस तरह से अगर किसी स्कूल में मान ली ए स्कूल है, उस स्कूल में क्लास फिफ्थ का बच्चा उसके अंदर राइटिंग स्किल है या सिंगिंग स्किल है या किसी भी प्रकार की स्किल है, वो टीचर इसमें छोटा वीडियो बना करके या उसका फोटो खींच करके उसमें शेयर कर सकता है और कभी भी कहीं भी उसको दिखा सकता है। तो सर ये जनपद का नया नवाचार है क्या? हाँ, ये नया इनोवेशन है। ये हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब, उनकी सोच है और उनके ही सहयोग से ये लॉन्च हो पाया है। सर इसे क्या विकास होगा शिक्षा के? इसमें टीचर जो है नई टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, एडॉप्ट करेगा। इसके माध्यम से हम उनको कई तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं और कई तरह के पार्ट हैं जो वो मोबाइल के थ्रू बच्चों को किसी भी चीज़ समझ को वो बढ़ाएगा। बच्चे उससे लर्निंग लेवल बच्चे का अच्छा।